भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। हम समझते हैं कि भाजपा क्यों इस तरह से पुरानी टिप्पणियों को पुनर्जीवित कर रही है, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी की जो दैनिक गलतियां हैं प्रचार में और जो उनका डगमगाता प्रचार है उससे भाजपा देश का ध्यान हटाना चाहती है। ये षड्यंत्र पूरा देश अच्छी तरह से समझता है। पूरा देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत गर्व से याद करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व को और भारतीय सेना की वीरता को, जिसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े 1971 के दिसंबर में हुए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पूरा देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बात पर भी गर्व करते हैं कि 18 मई 1974 को परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके हमने विश्व के सामने अपनी परमाणु क्षमता को सार्वजनिक किया था। भारत के जो निर्णय होते हैं, निर्णय लेने की जो प्रणाली होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मान के हम लोग निर्णय लेते हैं। ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृढ़ विश्वास रहा है। और अगर पुराने वीडियो का ही उपयोग करना है तो श्री एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री का ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है जो सार्वजनिक है, जिसमें श्री जयशंकर भारत को उपदेश दे रहे हैं कि हमें क्यों चीन से डर के रहना चाहिए। इस वीडियो पर हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा भी आज कुछ टिप्पणी देगी।